अपनी तैयारी से ज्यादा अगर अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर लेती ना तो शायद इंटरव्यू क्लियर भी हो जाता। कोई काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने कोई इतने भी गलत जवाब नहीं दिए थे। हाँ थोड़े फिल्मी थे और मैं इतना ज्यादा तैयार होकर भी नहीं गई थी, एक्चुअली गई थी। अच्छा अगर तैयार होकर चली भी गई तो क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम क्या है? पहला इंटरव्यू था मेरा यार, तैयार होकर ना जाती तो बस ऐसे ही चली जाती। वो लड़का खुद ही इतना रूड और एरोगेंट है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। और तुम लोग देख लेना, अगर उसने मुझे अपनी कंपनी में दोबारा इंटर्नशिप के लिए बुलाया तो मैं खुद नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन शो करने के लिए सबसे पहले तो तुम उसे अनफ्रेंड कर दो, इनफैक्ट ब्लॉक कर दो उसे। सोशल मीडिया पे तो सबसे पहले उससे कुट्टी कर लो। एक मिनट, फेसबुक फ्रेंड्स, क्या तुम मुझे ये बताना चाह रही हो अमानुल्लाह तुम्हारा फेसबुक फ्रेंड है? और मैं उसे तो अपना क्रश बनाए बैठी थी और तुम दोनों तो दोस्त निकले। दोस्ती थी जो कि अब खत्म हो जाएगी। ये लो अपना फोन और ब्लॉक करो उसे। समझता क्या है हमारी आना को? क्या मतलब, क्या इतना जल्दबाजी में ये फैसला लेने की? आजो बेटा आजो, इधर रखो। अस्सलाम वालेकुम बुआ जी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ऐना के पास आके सबसे ज्यादा मजा आपकी डिशेस का आता है बुआ जी। आप इतने मजे मजे के खाने बना के खिलाती हैं। अरे बेटा जम जम खाओ। जी आगा जान। मेरी नूरे जान, जान मैंने बताना ये था कि मैं कराची जा रहा हूँ। व्हाट? फिर से? हाँ जान, ऑफिस का काम है, जाना जरूरी है। अच्छा प्रॉमिस करें जल्दी वापस आएंगे। हाँ हाँ 1-2 दिन में आ जाऊंगा। ओके आई लव यू। आई लव यू टू नूरे जान। बेगम साहब कहाँ हैं? जी वो तो सो रही हैं, उठा दूं क्या? हाँ उन्हें उठा दो। अच्छा आपके लिए चाय या कॉफी लाऊं साहब जी? नहीं थैंक यू। फारूक, फारूक लोग सही कहते हैं कि सच्चे दिल से जो भी मांगो वो जरूर मिलता है। अब ये भी आंख लगी थी और पता है सोने से पहले मैं क्या सोच रही थी? क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे और मेरे पास कब आएंगे। तुमने मुझे अपने पास बुलाया, मैं आ गया। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको पता है कितनी खुशी है आपको देखकर।